बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में एक और वीडियो के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि शहरी अब कोई बहुत ही अशद ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़ाती गाड़ी पर सफ़र को तरजीह देते हैं, वरना देखने में यही आया है कि पाकिस्तान में मोटर बाइक्स पर लोगों ने ज़्यादा सफ़र शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में हम उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो आपको 15 लाख रुपये की रेंज में मिल जाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात, इनकी फ्यूल एफिशेंसी खासी बेहतर होगी और लोगों की फ्यूल प्राइस के हवाले से जो टेंशन है किसी हद तक कम हो जाएगी। या यूं कह लीजिए कि अगर शहरी मौजूदा फ्यूल प्राइस की वजह से हफ्ते में अगर 2 दिन अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो इन गाड़ियों की बदौलत वो हफ्ते में 4 से 5 दिन अपनी ज़ाती गाड़ी का इस्तेमाल करने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। इस फहरिस्त में जिस गाड़ी की सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है डाई हाटसो कंपनी की मशहूर ज़माना कार मूव। ये हैच बैग गाड़ी जापानी गाड़ियों में टॉप की कार्स में शुमार होती है और इसकी बड़ी वजह मूव की स्मूथ ड्राइविंग और इसकी ज़बरदस्त फ्यूल एफिशेंसी है। मूव का 2010 से 2012 तक का मॉडल आपको 15 लाख रुपए के अंदर मिल सकता है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन की मूव के लिए आपको 2009 से 2010 तक का मॉडल तलाश करना चाहिए। दीगर जापानी इंपोर्टेड कारों की तरह डाई हाटसो मूव भी 660 सीसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मार्केट में दस्तयाब है। इस गाड़ी को आप अगर अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं तो विद इन सिटी ये आपको 20 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज दे देती है और हाईवेज पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 22 से 23 किलोमीटर फी लीटर तक बढ़ जाती है। 660 सीसी की इस गाड़ी का एसी भी खासा पावरफुल है, इसलिए मौसम गर्मा में भी आप इसकी ड्राइव से बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस लिस्ट में जिस दूसरी गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है सुजुकी वैगन आर जापान इंपोर्टेड। मूव की तरह इसका भी आपको 2009 से 2010 तक का मॉडल 15 लाख रुपए की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाएगा। तमाम जदीद फीचर्स से लैस ये गाड़ी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी में मूव को भी पीछे छोड़ती नजर आती है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी विद इन सिटी 22 किलोमीटर फी लीटर है, जबकि हाईवेज पर यह 25 किलोमीटर से 26 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज भी दे सकती है, लेकिन फिर वही बात कि गाड़ी को वेल मेंटेन रखना अवलीन शर्त है। इसका एसी भी चिल माना जाता है और अपनी ड्राइव के लिहाज से ये बड़ी कंफर्टेबल तसव्वुर होती है। जापानी वैगन आर का इंजन भी 660 सीसी कुव्वत का है और ये भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। अगर आप 2012 तक का मॉडल लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी प्राइस रेंज में तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का इजाफा करना होगा। वीडियो में अब जिस फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी का तस्करा करेंगे वो 660 सीसी जापानी वैगन आर को भी पीछे छोड़ती नजर आती है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी आल्टो इको एस की। इको एस डिजाइन ही फ्यूल एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए की गई है। ये भी 660 सीसी जापानी असेंबल्ड कार है और शहर के अंदर ये 24 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज देती है, जबकि हाईवेज पर इसकी एफिशिएंसी 28 किलोमीटर फी लीटर यहां तक के 30 किलोमीटर फी लीटर तक भी रिकॉर्ड की गई है। बाकी गाड़ियों की निस्बत इसके फीचर्स भी किसी तौर पर कम नहीं है। हाँ, अलबत्ता एसी परफॉर्मेंस के लिहाज से मूव और वैगन आर से इसका फर्क 19-20 का जरूर है। यानी मूव और वैगन आर का एसी सुजुकी आल्टो इको एस की निस्बत कदरे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके एसी को भी कम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मित्सुबिशी इक वैगन भी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से खासी शोहरत रखती है। ड्राइव और फीचर्स के लिहाज से दीगर गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है, लेकिन रीसेल वैल्यू के लिहाज से ये निस्बतन थोड़ी डाउन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसको खरीदने के बाद आप बिल्कुल इसके साथ स्टक होकर रह जाएं। 2010 से 2012 तक का मित्सुबिशी इक वैगन का मॉडल आपको 15 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। इसका इंजन भी 660 सीसी और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है। ड्राइव इंतहाई कंफर्टेबल है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट से आसानी मिल जाते हैं। अलबत्ता जापानी गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम यही है कि इसके पार्ट्स खासे महंगे होते हैं। मित्सुबिशी के पार्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन फिर वही बात के कॉस्टली पार्ट्स हैं। फ्यूल एफिशिएंसी विद इन सिटी इसकी 22 किलोमीटर फी लीटर और हाईवेज पर 25 किलोमीटर फी लीटर है। अब जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है डाई हाटसो की मीरा। डाई हाटसो मीरा की वजह शोहरत भी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। मीरा भी 660 सीसी कुव्वत के इंजन के साथ मार्केट में दस्तयाब है। अलबत्ता इसकी मार्केट खासी तेज है, इसलिए मीरा का 2007 से 2009 तक का मॉडल ही आपको 15 लाख रुपए की रेंज में मिलेगा। विद इन सिटी मीरा 23 किलोमीटर फी लीटर और हाईवेज पर 26 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज दे देती है।